आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आलम फार्मा हेल्थ केयर में। आज मैं आपको बताऊंगा फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी क्या होता है, कितने टाइम का कोर्स है ये, कितने इसमें कोर्स होते हैं और क्या क्या हम करते हैं और इससे क्या क्या स्कोप है हमारा फार्मेसी में। तो दोस्तों, फार्मेसी जो है वो चार तरीके के कोर्स होते हैं इसमें। पहला डी फार्मा, दूसरा बी फार्मा, तीसरा एम फार्मा, चौथा फार्मा डी। तो पहले कोर्स की बात करते हैं। पहला कोर्स होता है डी फार्मा। डी फार्मा की एलिजिबिलिटी जो होती है हमारी वो 12th पास करने के बाद, चाहे आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, 55-60% आपके नंबर होने चाहिए, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। दूसरा, इसके एक दो प्रोसेस होते हैं। एक आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा आप एडमिशन के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए जाते हैं, जैसे कि एक पॉलिटेक्निक वगैरह हो गया और एक बीटीई का एग्ज़ाम होता है, कुछ मेडिकल कॉलेज के अपने एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों के द्वारा भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है। इसकी लगभग फीस जो होती है वो, अगर सरकारी गवर्नमेंट कोटे के हिसाब से अगर देखेंगे तो 40 से करीब 60,000 रुपये तक रहती है पर ईयर, और बाकी अगर प्राइवेट में अगर एडमिशन लेते हैं तो 70,000 से लेकर करीब 1 लाख तक अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फीस होती है। ये कोर्स 2 साल का होता है। ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा कराया जाता है। डिप्लोमा कोर्स है ये, और इसके अंदर फर्स्ट ईयर में 6 किताब होती हैं और सेकंड ईयर में 7 किताबें होती हैं। तो दोस्तों, ये रही जानकारी डी फार्मा की। दोस्तों, अब बात करते हैं बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है और कुछ स्टेट में ये 1 साल का ड्यूरेशन रहती है, 1 साल के पेपर होते हैं, और कुछ स्टेट में जैसे कि यूपी लेते हैं तो यूपी में सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, 1 साल में 2 बार पेपर, 2 सेमेस्टर रहते हैं। तो 4 साल के अकॉर्डिंग 8 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है। इसकी अगर आप फीस की बात करेंगे तो फीस जो है करीब 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग रहती है। इसके अलावा अगर इसमें एडमिशन कैसे लें, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी 2 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, 1 साल की छूट मिलती है। दूसरा कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या डायरेक्ट एडमिशन से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कोर्स में हर सेमेस्टर में कम से कम 7 से 6 किताबें रहती हैं। ये हर किताब एक पार्ट में डिवाइड रहती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एम फार्मा के बारे में। एम फार्मा क्या होता है? एम फार्मा मास्टर डिग्री होती है, मास्टर ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर हम बी फार्मा बैचलर ऑफ डिग्री के बाद में ही एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए भी कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं, उन एग्ज़ाम को पास करने के बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी। इसमें जो होता है, जैसे कि हमारा बीएससी के बाद एमएससी वगैरह करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट रहता है, तो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कहने का ये है कि जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकेमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इस टाइप के जितने भी हमारे सब्जेक्ट रहते हैं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हम एम फार्मा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फार्म डी की। फार्म डी कोर्स जो होता है वो हमारा करीब 5 से 6 साल का ड्यूरेशन का कोर्स होता है, जिसमें डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी होती है, आप डॉक्टर भी इसमें लगा सकते हैं। फार्मेसी करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? तो फार्मेसी करने के बाद में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं पीसीआई में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फार्मासिस्ट हो जाएंगे। फार्मासिस्ट होने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हैं कि आप फार्मासिस्ट होने के बाद में अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट की शॉप ओपन हो सकती है, किसी आप बड़ी फार्मेसी चैन में आप जॉब कर सकते हैं। फार्मेसी में आपकी इनकम 20 से 30,000 रुपये महीना स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं तो आप डीआई का फॉर्म भर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर का, ठीक है, वो बैचलर ऑफ डिग्री के बाद में भी मिल सकता है आपको। उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन में डीआई के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, पर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ इसमें। एक तो बैचलर ऑफ डिग्री चाहिए आपको, दूसरा इसमें आपको प्रोडक्शन हाउस का, मैन्युफैक्चरिंग हाउस का कम से कम 18 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए होता है डीआई बनने के लिए। अब बात करते हैं इसमें, एक हमारा रेगुलेशन आया था पीपीआर 2015, पीपीआर बोले तो फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, जिसके अंतर्गत हम अपनी फार्मेसी में फार्मा क्लिनिक भी खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर के साथ में फार्मा क्लिनिक भी खोल सकते हैं और कुछ आप पैसे कमा सकते हैं उससे। तो दोस्तों, ये रही बात इसमें इनकम की। स्कोप यही थे कि आप डीआई बन सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे तो आप क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में भी अपने जॉब कर सकते हैं, जिसमें करीब शुरुआत में तो पैसा बहुत कम मिलता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, करीब 8,000 से स्टार्टिंग रहती है, ठीक है, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं आपके, जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये रही बात फार्मेसी की। अब फार्मेसी कब आया था? फार्मेसी जो हमारा है 25 सितंबर
को मनाया जाता है। 1912 में ये हमारा एक कॉन्वोकेशन हुआ था, तो जिसके तहत ये फार्मेसी डे मनाया जाता है, फार्मासिस्ट का डे मनाया जाता है 25 सितंबर को। तो दोस्तों ये थी जानकारी फार्मेसी के बारे में। इसी तरीके की मोर अपडेट के लिए आलम फार्मा हेल्थ केयर से आप जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।